होकर जा रहा है, बहुत सारे षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसके कारण अभी मैं जिस दिन वहां पे ये करने वाली थी, अपने प्रचार का नारियल फोड़ने वाली थी, उस दिन एक लड़के ने मेरे पे मेरी गाड़ी में घुस के मेरे पे वार करने वाला था, और वार करने के चक्कर में मेरे कार्यकर्ता ने उसका हाथ पकड़ा, उसको बोला कि आप कौन हो, तो वो बाहर निकल के उसको मारने लगा, काले कपड़े पहन के। और तीन चार दिन से वो मेरे झांपी में जाती हूँ, वो हमेशा मेरे पीछे पीछे आता था। तो मैंने और मेरे कार्यकर्ताओं ने जब ये वॉच आउट किया, तो इतना नीचे गिर के लोग काम करते हैं राजकरण में, मुझे नहीं मालूम था। और बहुत अच्छा करा कि जो भगवान ने मुझे राजकरण में लाया, तो इसके लिए मैंने ये कंप्लेंट भी लिखाई है, पुलिस कंप्लेंट, कि आज मेरे को यदि कुछ हो जाता है यहाँ पे, और जो मेरे साथ जो कार्यकर्ता है उनको कुछ हो जाता है, जान माल या कुछ भी है, बाल को भी धक्का लगता है मेरी टीम को या मुझे, तो उसका जिम्मेदार धनंजय मुंडे, राजश्री धनंजय मुंडे, और जिन लोगों के मैंने नाम इसमें लिख रखे हैं वो, और ये जो अघाड़ी सरकार है, ये पूरी सरकार इसकी जिम्मेदार होगी। और इसका यही सेम जो ये है, मैं कोर्ट में भी दाखिल करूंगी, कि कल को भगवान ना करे एक चुनाव नहीं है, आने वाली नगर पालिका भी मैं लड़ने वाली हूँ। आज लोगों में बहुत पॉजिटिविटी है मुझे लेके, एग्जिट पोल भी ये बता रहे हैं कि मैं जीत रही हूँ, यहाँ से कई सारे इलेक्ट्रॉनिक पोल से आ रहे हैं। तो भगवान की दया से ना मुझे आज प्रचार शुरू करने दिया है, अभी तक दो दिन पहले ही मैं वन टू वन घर घर जाके अपने पेम्पलेट खुद बांट रही हूँ, प्रचार कर रही हूँ। ना ही कोई मेन पावर मुझे मिल रही है, ना ही कोई कार्यकर्ताओं को मेरे से जुड़ने दिया जा रहा है, कोई भी नहीं। और इनफैक्ट जो मेरी टीम भी आई थी वो उनको भी तक ऐसा सेट कर दिया गया था कि मेरे को उनको खुद बोलना पड़ा कि आप लोग जाओ यहाँ से, क्योंकि मतलब उनके देखे सोचे मेरा प्रचार ही यहाँ पे शुरू नहीं हो रहा। इतनी घरानेशाही, इतनी हुक्मशाही चालू है, क्या प्रजातंत्र पूरा खत्म हो चुका है? आप मेरे पास सिर्फ एक ही मीडिया का साधन बचा है, तो मेरे हाथ जोड़ के मीडिया कर्मियों से यही विनती है कि आप लोग निस्वार्थ भावनाओं से मेरा साथ दीजिए। जैसे शिवाजी महाराज गांधी जी का जनता ने साथ दिया था, मीडिया ने, जो कि आधार स्तंभ है चौथा लोकशाही का, तो आप लोगों ने साथ दिया था, तो इसलिए शिवाजी महाराज बनकर और आज हमें से आजाद भारत में बैठे।